अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं सिरीपाए। सिरीपाए पर माशाल्लाह इसकी खासियत ये है कि ये इसका जो मंज़र है वो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखता है। इंशाल्लाह आगे आपको भी मैं वक्फ़ा वक्फ़ा दिखाता जाऊंगा। तो हमारे घोड़े माशाल्लाह घोड़ा तैयार है अर्तकुल गाजी की तरह। क्यों ना आप यहाँ आकर सिरीपाए में आप इंजॉय करें। और आज की तारीख 10 तारीख 6ठा महीना और 2022 हम यहाँ पहुँचे हुए हैं बड़ी ठंडक के। हकीकत में मैं इसलिए सूटर नहीं पहनना क्योंकि जैकमाबाद में ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं कहता हूँ एक एक पल ना ना छोड़ूँ, फुल एंजॉय करूँ और महसूस करूँ, इस फिर ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो हम आपसे इजाज़त। अपना सफ़र का आगाज़ करते हुए शुगरान पहुँचे। शुगरान के बाद अभी हम सिरीपाए आए हुए हैं। तो सिरीपाए का एक छोटा सा पॉइंट है, आप देखते हैं माशाल्लाह। अभी आगे और भी पॉइंट हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और ये व्यूस आप देख रहे हैं, पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त मंदिर है, आपको मेरे कैमरामैन भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो बहुत ही बड़ी माशाल्लाह एक हाइट पर हम आए हुए हैं, थोड़ा ऑक्सीजन की यहाँ कमी होती है थोड़ी सी, और माशाल्लाह बेहतर है। तो आगे इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे, आगे भी इंशाल्लाह आगे चलती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक यहाँ के रिहायशी हैं जो सिरीपाए के यहाँ पे रिहायशी हैं, रहते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ का माहौल और यहाँ का पीछे झील और घोड़े। तो इंशाल्लाह आपसे इनसे पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम सर? सर नईम अकरम। नईम भाई, क्या बता रहे हैं इस हवाले से, आपके इस पॉइंट के हवाले से? सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इस पे भेजा है कि बात करने के लिए। मैं सब टूरिज़म से यही बात करना चाहूँगा, जब ऊपर आएँ अपनी सेफ्टी से आएँ, जैकेट वगैरह लेके आएँ। और यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता, यहाँ पे अचानक सी बारिश हो जाती है और साल के 12 महीने से इधर सर्दी रहती है। सब लोगों से यही गुजारिश है, जब ऊपर जीप से उतरें, जीप वालों को ये बोलें कि आगे घोड़ों पे हमें बिठाएं, आगे लेके जाएं, क्योंकि आधे लोग उधर ही से वापस चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता, तो फिर उनको आगे की मालूमात नहीं होती। वो कहते हैं कि ये घोड़े वाले बस वैसे ही कह रहे। तो जब जीप पे आए, टूरिज़म आए, लोग आए, तो उनको ये कहें कि आगे इसका जो पॉइंट है वो कौन सा है। इसका मेन पॉइंट ये है, मैदान है और ये छोटा सा लेक बना हुआ है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आखिरी में इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कुछ कमेंट्स। जी आगे इसका वैसे इधर पाया घूमे बंदा तो पूरा दिन भी बंदा नहीं घूम सकता, क्योंकि आगे मकड़ा पीक है, मकड़ा बेस तक घोड़े जाते हैं और ऊपर हाइकिंग करके जाते हैं और उससे नीचे हाइकिंग करके फिर नीचे मुजफ्फराबाद शहर को भी रास्ता जाता है। तो आगे पाया टू भी है। बस फैमिली वालों लोगों से यही गुजारिश है, जो लोग भी आते हैं इधर आएँ, स्टे करें रात को, और क्या नाम आगे मकड़ा पीक के लिए जाएं, घोड़ों पे नहीं जाना, हाइकिंग करके जाएं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। बहुत शुक्रिया। तो आखिरी में इंशाल्लाह जो हमारे साथ यहाँ के रिहायशी हैं, तो उनसे इंशाल्लाह आखिरी में पूछेंगे। हक टीवी पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी।